हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रेडर्स। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं ला रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। उस एनालिसिस के बेसिस पे आप लर्निंग कर सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ जिन स्टॉक्स में मैंने एनालिसिस किया है उसकी बेसिस पे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी और स्टॉक्स में भी कर सकते हैं एंड अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो अभी रिसेंटली IPO आया है उसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको IPO में वो मिल चुका है क्या करना चाहिए, जैसे कि मुझे मिला है तो मैंने क्या किया है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिला है तो उसका फेयर वैल्यूएशन क्या हो सकता है, कौन से प्राइस में वो स्टॉक्स सुटेबल रहेगा पोजीशन बनाने के लिए, उसके बारे में भी थोड़ी एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइज, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ और आपके लाइक एंड शेयर्स मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज, बहुत ही हॉट टॉपिक है रिसेंट के टाइम पे। ये टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO जिसको मिला है बहुत लकी है, मुझे भी मिला था। तो फर्स्ट डे पे मैंने जब ये देखा कि ये ओपन हो रहा है अराउंड 1200 के आसपास, एंड ओपन होते ही ये ऊपर गया अराउंड 1400 को टच किया। ठीक है, 1400 को टच करते ही मुझे लगा कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया है। सो मैंने क्या किया, अब मैंने IPO में मेरा जो अमाउंट लगा हुआ था वो अराउंड 15,000 था, एंड IPO में अमाउंट लगने के बाद जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा था वो अराउंड 25-30,000 के आसपास हो रहा था, उसके ऊपर 15,000 के ऊपर, राइट। सो मैंने क्या किया है, जैसे ही ये अराउंड 1380 के आसपास पहुंचा था मैंने अपने 10-11 क्वांटिटीज बेच दिए। अब उससे हुआ क्या, उससे मेरा जो कैपिटल मैंने इन्वेस्ट किया था 15,000 वो मुझे वापस मिल गया। मैंने 30 में से 11 शेयर्स बेच दिए, अब मेरे पास बचे हैं 19 शेयर्स। अब वो 19 शेयर्स मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर ये स्टॉक्स यहाँ पे यहाँ से जीरो भी हो जाता है, जो कि नहीं होगा कभी, पर अगर हो जाता है तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं लॉस में नहीं रहूंगा। भले ही मेरा प्रॉफिट चले जाए पर मैं लॉस में नहीं रहूंगा कभी। अब जो मेरा आपने पोजिशनल ट्रेड्स देखे होंगे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपने कभी देखा होगा कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए चलता हूँ शेयर्स में, पहले 10%, उसके बाद 30%, उसके बाद 30%। अगर वो स्टॉक्स डबल हो जाता है तो मैं अपना वो कैपिटल निकाल लेता हूँ और बाकी जो शेयर्स बचे हुए हैं वो मेरे लिए फ्री शेयर्स का काम करते हैं, वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाते हैं। सो इस वे में अगर किसी को मिला होगा तो वो इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर है ये ऊपर ही जाएगा, फालतू के 11 शेयर्स या 10 शेयर बेचे हैं। मेरा फंडा वही क्लियर है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो शेयर्स बचे हैं वो मेरे लिए फ्री है, मैं उनको लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ और मुझे उसके बाद कोई पैनिक नहीं होगा, मेरे को अगर कुछ डर नहीं लगेगा, मेरी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी स्टॉक में। अगर ये स्टॉक वापस 500 पे भी आता है तो मुझे डर नहीं लगेगा किसी बात का। तो इसलिए मैं इस तरह का पोजीशन बनाता हूँ अपने शेयर्स में और स्विंग ट्रेडिंग में भी इस तरह की करता हूँ। अब देखते हैं कि ये जो स्टॉक है अगर किसी को नहीं मिला है एंड कोई बाय करना चाहते हैं तो इसका फेयर वैल्यूएशन क्या होगा। सो इस स्टॉक का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है KPIT। KPIT का पी और इसका पी अगर हम कंपेयर करके देखें, अगर 500 का जब ये हमें प्राइस पे मिल रहा था IPO में तो पी के हिसाब से ये टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत सस्ता था, बट जब ये लिस्ट हुआ 1200 पे एंड 1400 के आसपास पहुंचा उसके बाद ये वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन हो गई थी, इक्वल हो गया था KPIT के वैल्यूएशन के हिसाब से, पी अगर हम कंपेयर करें उस हिसाब से। तो ये स्टॉक 1400 के आसपास लेने में कोई समझदारी नहीं थी, अब ये स्टॉक अराउंड फिर से 1200 के आसपास आ रहा है, ये भी इसका फेयर वैल्यूएशन ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अराउंड 1000 या 1050 के आसपास आए तब यहाँ पे अपन पोजीशन बना सकते हैं, या फिर कोई अपना हाफ पोजीशन यहाँ पे बना सकता है अराउंड 1200 के आसपास, जब ये अराउंड 1000 के आसपास आएगा, मे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा बट ये 1000 के आसपास जरूर आएगा, जब ये यहाँ पे आएगा तब हम बाकी की पोजीशन अपनी इसमें बना सकते हैं। तो ये हो गया अपना टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी। अब चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में कौन स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहला स्टॉक है NHPC। सो ये स्टॉक मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से अप ट्रेंड में है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो रेंज था इसका अराउंड 28 से लेके 20 के बीच में, यहाँ पे इसने बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड अब ये जिगजैग पैटर्न बनाते हुए जो ऊपर की साइड मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने ये हाई बनाया अराउंड 56 का एंड वापस नीचे रिट्रेस किया एंड फिर ऊपर उस हाई को ब्रेक करने वाला है। अब इस स्टॉक को मैंने अपने स्क्रीनर से फाइंड आउट किया है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स अपने स्क्रीनर से फाइंड आउट किए। ये स्क्रीनर आपको वो स्टॉक्स दे देता है जो ब्रेकआउट देने वाले हैं, वो भी स्टॉक्स देता है जो ब्रेकआउट दे चुके हैं एंड वो भी स्टॉक्स देता है जो ब्रेकआउट देने वाले हैं। इस स्क्रीनर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना के रखी हुई है,
उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं एंड खुद के एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक्स फाइंड करके अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें इसको, तो ये अपट्रेंड में है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से अपट्रेंड में है। यहाँ पे इसमें एक वॉल्यूम स्पाइक आया था, अगर आप देखें तो सितंबर के अराउंड यहाँ पे आसपास इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद ये थोड़ा रिट्रेस हुआ। एंड अभी फिर से हम देखें तो ये जो कैंडल है ये पिछले कैंडल्स के मुकाबले बड़ी दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग बाय कर रहे हैं। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। अभी अगर हम इसमें देखें तो ये जो है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कुछ इस तरह से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का, ये नीचे से बंद चलती आ रही है ट्रेंड लाइन, बट मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है तो इस इतनी ट्रेंड लाइन बन रही है एंड ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। अब इसको देखेंगे तो इसका लास्ट हाई था अराउंड 56.85 एंड ये हाई बनाया उसने एंड वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई एंड उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग आई, जिसने यहाँ पे मे बी हाई पे बाय कर लिया होगा और नीचे आया होगा उसने यहाँ पे अपनी पोजिशन को सेल ऑफ कर दिया। तो ये होता है स्टॉक में, हाई ब्रेक करता है उसके बाद फिर से रिट्रेस करता है एंड उसके बाद फिर अपर जर्नी स्टार्ट करता है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये फिर से अगर इसको ब्रेक करता है, यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले ही ट्रेड ले लिया जाए, क्योंकि कभी कभी ब्रेकआउट इतना बड़ा होता है कि हम मूव मिस करते हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे अपना एक पोजिशन बना ले एंड फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा एंड ऐसा कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। अब इसके बाद इसमें हम टेक्निकल बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस अराउंड ये आ सकता है, ये जो स्विंग का लो था इसको हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से चली आ रही है इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये गलती से नीचे भी आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाए। इस तरह से हम इसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SRF लिमिटेड। अब SRF लिमिटेड को मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगाया, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया है पास्ट में एंड यहाँ पे आके वो कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से, यहाँ पे इसी जोन में घूम रहा है। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न देख रहे हैं इस लाइन का, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसका बार बार रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड ये अभी यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे रहा है। अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे भी, इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऊपर गया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दे दिया, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। हम अपना ट्रेड कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं, यहाँ से हम पोजिशन बनाएंगे उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ ऐसे नहीं। अब इसका टारगेट हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, पहला टारगेट हम, अब इसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये डब्ल्यू भी बन रहा है, बट इस डब्ल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डब्ल्यू हमेशा बॉटम पे बनता है, राइट। सो ये W कैंसिल हो गया, बट हाँ ब्रेकआउट दे रहा है इस ट्रेंड लाइन का। पहला टारगेट हम इसका रख सकते हैं ये वाला जो वीक था या फिर इसके आसपास कहीं पे, एंड नेक्स्ट टारगेट जो हम रख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई, दैट इज 2853। तो इस तरह से हम इसमें अपना प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है PTL एंटरप्राइजेस। सो PTL एंटरप्राइजेस काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट दे रहा है, अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ही देख लेते हैं, थोड़ा अनजूम करूँ तो आप देखेंगे कि इसका प्रीवियस जो हाई था वो ये था अराउंड 40 के आसपास, एंड एक अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं ये इसका, इसने ब्रेकआउट दे दिया है एंड रीटेस्ट भी कर लिया है, ऊपर जाके वापस नीचे आया, इस लाइन को उसने सपोर्ट किया जो इसका पहले रेजिस्टेंस था एंड ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें एक और पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हो गया कप एंड ये हो गया कप का हैंडल, तो ये एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें भी हम अपना पोजीशन बना के चल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये अभी ऊपर गया था, नीचे आया, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। इसमें टारगेट हम रख सकते हैं ये वाला पहला वाला अराउंड 36%, काफ़ी बड़ा टारगेट आ रहा है। दूसरा टारगेट रहेगा कप का, ये जो वेट है ये वाली। टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा हो सकता है, कुछ लोग ये ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे जब क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोज कर दे तो रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस ये 37 के आसपास, एक बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अपने 29 के आसपास रख सकते हैं। सो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो आप इसके बेसिस पे लर्निंग करिए, अपनी खुद का एनालिसिस लगाइए इसमें एंड उसके बाद उसमें आपको पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस तरह के वीडियोस में लाता रहता हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड उस पर भी मैं अपने रियल टाइम अपडेट्स डालता रहता हूँ, कहाँ मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, उसके बाद अगर कुछ डेली या फिर रियल टाइम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं किसी स्टॉक्स में तो उसके बारे में भी अपडेट करता हूँ। चलो बाय बाय।